हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत टाइम बाद मैंने एक्चुअली ब्लॉगिंग की है और सोचा कि कुछ लाइफ अपडेट्स आपको कर दिए जाएं। एक तो ब्लॉग क्यों नहीं बना रही, तो यार गणेश चतुर्थी, वैसे तो बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट यस, गणेश चतुर्थी के बाद वीडियोज़ रेगुलर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ नहीं आ रहे, पर ब्लॉग मैंने एक्चुअली पोस्ट नहीं किया। शॉपिंग हॉल्स वगैरह एंड रिव्यू कुछ वीडियो मैंने एक्चुअली पोस्ट किए हैं, तो वीडियोज़ तो आपको पता है कि मैं डेली पोस्ट करती हूँ और हर हाल में एक वीडियो मेरे मतलब चैनल पे डेली आता है, चाहे वो शॉपिंग हॉल हो या फिर ब्लॉग हो या फिर कुछ भी रिव्यू या फिर ऐसा मतलब। लेकिन ब्लॉगिंग बहुत दिन से इसलिए नहीं कर रही थी गाइज, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक्चुअली मेरा एच भी बहुत कम आया है, हीमोग्लोबिन 7 आया है और स्ट्रेस बीच में बहुत बढ़ गया था। और लास्ट ईयर एक्चुअली मुझे डेंगू हुआ था, तो उस वक्त एक्चुअली मेरा ज़्यादा था हीमोग्लोबिन, पता है मेरा 14 था और अभी मेरा इतना कम है। जब लॉकडाउन हुआ था तब भी मेरा 8 पॉइंट समथिंग था और अभी मेरा हो गया है 7 करके, तो मुझे बहुत टेंशन हो गया और बीच में स्ट्रेस भी ज़्यादा रहा। और स्ट्रेस ऐसा कोई खास टेंशन नहीं है, लेकिन मतलब मुझे लगता है घर में रहकर ही हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, तो बस। एंड और आपको मैंने कल एक ब्लॉग पोस्ट किया है, एक्चुअली अभी हम घर की भी सर्चिंग में हैं, अपने लिए घर देख रहे हैं 2 BHK। कल एक देख के आई थी, वो मैंने आपसे शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देखना। वो मुझे थोड़ा छोटा लगा गाइस, दूसरा वो मतलब पूरा फिनिश करके नहीं दे रहे और बहुत ही छोटा लगा है। थोड़ा सा स्पेसियस बालकनी एक दो रूम में होनी चाहिए, दोनों रूम में बालकनी नहीं थी, किचन में बहुत छोटी सी बालकनी थी, तो मुझे कोई खास पसंद नहीं आया और घर बार बार नहीं लिया जाता, तो सोच समझ के बहुत सर्चिंग के बाद ही ऑफकोर्स हम भी लेंगे। तो और आप देख रहे हैं पिगमेंटेशन, ये हीमोग्लोबिन की कमी से ही एक्चुअली हुआ है। तो वुमेन स्पेशली प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए और हीमोग्लोबिन भी चेक कराते रहिए। तो उसके बाद चलिए, तो ये था मेरा लाइफ का अपडेट कि अभी मैं इसी में बिजी हूँ, तो घर वर भी सर्च कर रहे हैं। ऑफकोर्स इस साल नहीं पॉसिबल है, लेंगे नेक्स्ट ईयर, पर अभी सर्च कर रहे हैं और पसंद आता है तो ऑफकोर्स बुक करा देंगे, लेकिन अच्छा घर सर्च करेंगे और जो भी अपडेट्स होगी मैं ऑफकोर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ एक्चुअली सब्जी लेने के लिए, मंडी मेरे पास में ही है, तो वीकली मतलब वैसे वीकली जाती हूँ, पर आजकल मैं आज 15 दिन के बाद जा रही हूँ, अभी बारिश भी बहुत थी तो इसीलिए। तो चलिए चलते हैं और आके फिर मिलते हैं। तो मुझे लगा कि रैंडम सा एक ब्लॉग आज बना दिया जाए और बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बात भी किए हुए, तो आप लोग से बात कर ली जाए और लाइफ के अपडेट्स भी कर दी जाए। तो चलिए चलते हैं। देखिए गाइज, वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि बारिश का सीज़न है तो ख़राब हो जाती है, बट फिर भी लाई हूँ। ये हैं बीट रूट्स, इन सबको भी वॉश करने जा रही हूँ, कैप्सिकम एंड जिंजर, लौकी, मिर्ची, छोटी वाली मिर्ची, एक्चुअली ये किसी को अचार बना के देना है, कद्दू मतलब सीताफल, भिंडी और बैंगन, बैंगन का भरता बनाए बहुत दिन हो गए थे। एंड इधर जो सब्जी वाले आते हैं वो इतनी महंगी देते हैं, ट्रस्ट मी, जैसे कि जिंजर वहाँ 40 रुपीज़ केजी थी और यहाँ है 200 रुपीज़ केजी, ट्रस्ट मी इतना फ़र्क होता है। तो इसीलिए जो डेली वाले होते हैं, और लेमन वगैरह अभी मेरी फ्रेंड के यहाँ से आ गए थे, वरना ये सब चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा लाई नहीं, फ्रिज में भी रखो तो ख़राब हो जाती है, और दो लोगों की फैमिली में यार कितनी सब्जी चाहिए होती है। तो चलिए मैं बस इतनी ही लेके आई हूँ और अब करते हैं इनको वॉश, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज, इस तरह की मैंने एक बड़ी बास्केट ला रखी है, जब से कोरोना हुआ है तब से मैंने ये बड़ी बास्केट ला रखी है मतलब वेजिटेबल्स के लिए। तो इसमें मैं धो के सुखाती हूँ, मतलब उसके बाद रखती हूँ मतलब धोकर, लेकिन मैंने अच्छे से वॉश बेसिन को क्लीन कर लिया है और पहले मैं सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं उनको मैं वॉश बेसिन में, पहले मैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है मैं एक ही तरीके से धोती हूँ, हाँ मैं सॉल्ट में भी वॉश कर लेती हूँ कभी विनेगर से, या मैंने वेजी वाला जो था उस वो भी ऑर्डर कर रखा है, देखती हूँ ट्राई करके, और इस तरीके से भी या तो गर्म पानी में भी कर लेती हूँ। लेकिन अभी बहुत सब कहते हैं कि मतलब रनिंग टैप वाटर में वॉश कर लेनी चाहिए तो सेफ़ होती हैं वेजिटेबल्स, तो बस। और उसके बाद 48 आवर्स हम लोग
इसे यूज़ भी नहीं करते, तो बस इसी टैप वाटर में अच्छे तरीके से इसे रब करके मैं इसे वॉश कर लूँगी इन सब चीज़ों को। और जैसे बैंगन का तो वैसे भी भरता बनने वाला है, तो अच्छे से पक जाती है सब्जी, आपने सुना होगा, अभी तो सबको हैबिट हो गई है। तो बस मैं इसी तरीके से वॉश करके इसे रनिंग टैप वाटर में और फिर इसमें रख दूँगी। तो एक ही में अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि ये वेजिटेबल बास्केट ही है। अब इतने सारी सब्जी, क्योंकि मैं मोस्टली जैसा आपको कहा एक साथ लेके आती हूँ, तो ऐसा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी वॉश करके छोटी 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 बास्केट्स में मैं नहीं रख सकती। तो ये बड़ी बास्केट मैंने अभी परचेज की थी कोरोना टाइम पर ही, तो मैं सब वॉश करके और इसे रख देती हूँ। और वैसे भी मोस्टली ये वही सब्जियां हैं, डिपेंड करता है, जैसे लौकी भी छिल के यूज़ होती है, बीटरूट भी हम ऐसे करते हैं, कद्दू भी बिल्कुल छिल के फिर ही हम यूज़ करते हैं। तो ये वो सब्जियां हैं जो हम छिलका हटाकर यूज़ करते हैं, सेफ होती है। तो इसी तरीके से मैं सारी सब्जियों को वॉश करके इसमें रख दूँगी और पानी निकाल दूँगी, जब सूख जाएगा तो धूप में रख दूँगी, और अगर धूप भी नहीं आती तो भी 48 आवर्स के बाद यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे ईजी लगता है कि एक ही बास्केट में सारी सब्जी आ जाती हैं और धुल के अच्छे से, तो अलग अलग नहीं होती और फैलती भी नहीं है और इजी होती हैं एक साथ सुखाने के लिए भी। बस तो मैं इस तरीके से सब्जियों को वॉश करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में मैं भी नमक के पानी विनेगर वगैरह में करती थी। तो इस तरीके से ना ये वॉश कर दिए मैंने सारी की सारी वेजिटेबल्स, आपने देखा ये इसमें सब हैं। तो ये एक्चुअली भिंडी मिर्ची ये सब मैं नीचे नहीं रख सकती थी वॉश करके, क्योंकि नीचे जैसे बीटरूट लौकी बैंगन ये सब है तो वो आप जानते हो खराब हो जाती कद्दू वगैरह, इसलिए मैंने ऊपर रखा। और ये जैसे कि मिर्ची थी छोटी वाली तीखी वाली, तो मैंने अलग से वॉश करके इसमें रख दी। अब इनको मैं छोड़ दूंगी 2-3 घंटे, जब पूरा पानी निकल जाएगा बिल्कुल सूख जाएगा, कल इनको मैं पूरे दिन मतलब 5-6 घंटे के लिए एटलीस्ट धूप में रख दूंगी अगर धूप आती है तो, वरना तो भी 24 आवर्स तक इन्हें ऐसे रहने दूंगी एकदम ड्राई, फिर अच्छे से वॉश करके उसके बाद मैं इसे फ्रिज में लगाने वाली हूँ और उसके बाद ही हम इसे यूज करने वाले हैं। तो आजकल आपको पता ही है कि ये सेफ्टी और ये काम भी हम वुमेन्स के लिए दुगना हो गया है। तो चलिए अब वॉश हो गई है सब्जियां हमारी, अब चाय का टाइम हो गया है तो चाय पीते हैं, और चाय के साथ कुछ खाने का मन है। तो रिधिमा बोल रही थी कि मम्मा प्लीज फॉक्स नट खाना है, मतलब क्या बोलते हैं सॉरी मखाने। तो चलिए, और आज का आपको पता है उसे कुकिंग का बड़ा शौक चढ़ा है तो वही बनाने चल रही है, तो चलिए अब किचन में चलते हैं। तो गाइस आज रिधिमा बनाने जा रही है, क्या बना रही हो रिधिमा खुद ही बता दो। क्या बना रहा है? मखाना रोस्ट कर रही। तो फिर क्या ऐड किया आपने? मखाने रोस्ट करके खाए जा रहे हैं जब डे टाइम में भूख लगती है तो, और बहुत अच्छा होता है, फाइबर वगैरह भी होता है। ऐड करो घी, आपको पता ही है जैसे इधर गिर जाएगा भाई आराम से। तो घी ऐड किया है, अब क्या करना है रिधिमा? और अब क्या ऐड करें? करो तो फिर आप ऐड। अच्छे से करो, आजकल रिधिमा की कुकिंग क्लासेस हो रही हैं और आज रिधिमा का पेपर भी था। तो चलिए इस पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा और ऐड करो और अब इसे अच्छे से रोस्ट करना है। हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो रेगुलर चलाइए, और अगर मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं तो 1-2 मिनट पे। मैं इसे हाई फ्लेम पे ही कर रही हूँ अच्छे से रोस्ट, और ये जो वेट लॉस करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। रिधिमा वेट लॉस पियोगे आप? वेट लॉस पियो? झूठ नहीं। तो फिर क्यों बोला वेट लॉस पियो? हम वेट लॉस पे नहीं है, लेकिन हाँ स्नैक टाइम अभी हो रहा है 4 o'clock, तो बस भूख लगी है तो से खा लिया जाएगा। आप चाय वगैरह के साथ भी ले सकते हैं, फास्ट में ले सकते हैं, मतलब एक हेल्दी स्नैक है यार सिंपली। तो ये रोस्ट हो गया है, अब अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। करो रिधिमा सॉल्ट ऐड करो, अच्छे से स्प्रिंकल कर दो। करो अच्छे से और ऐड करो, और अब एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और रेडी हो गए हैं, तो आप ट्राई करना, वैसे तो आप सब करते होंगे पर फिर भी, तो ये मेरा फेवरेट हो गया है स्नैक टाइम वेट लॉस के लिए, इसे खा के गिल्ट फील नहीं होता। और अब ट्रांसफर कर लेंगे एक बाउल में, और ये रेडी हो गए हैं।
टेस्टी था ना, यम यम, खत्म। कल किसका पेपर है? इंग्लिश। सुई है ना सर ने बोला था 4 से 3 घंटे दे देंगे, लेकिन पूरा आराम से करना है। हो जाता है वैसे भी, सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव ही तो आता है फिलहाल। कल सब्जेक्टिव भी होगा, आज संस्कृत में जैसे हुआ वैसे ही होगा। ऑब्जेक्टिव ही तो था, तो संस्कृत में सब्जेक्टिव कहाँ था। एंड गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ इस राजस्थानी स्पेशल बेसन की मिर्ची, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मिर्ची ले लेनी है, अच्छे से वॉश कर लेना है और इस तरीके से स्लिट कर लेना है। और मिर्ची जो है वो बड़ी वाली लेना आप। ये आप ना कहीं ट्रैवल करते हो ना तो भी आप ले जा सकते हो। इस साल तो खैर ट्रैवलिंग है नहीं, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं करेंगे। और ये है बेसन, इसको बेसन जो है मैंने हल्का सा तवे पर मतलब या फ्राई पैन में वॉट एवर आप मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, सॉरी रोस्ट कर लीजिए। और अब इसमें ऐड की है मैंने सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वैसे मैं जानती हूँ कि आपको आती है, बट फिर भी सोचा आपको शेयर कर देती हूँ कि हम राजस्थानी कैसे बनाते हैं। और अब इसमें मैंने अजवाइन थोड़ी सी ऐड की है, आमचूर पाउडर ऐड करना है क्योंकि आमचूर पाउडर से टेस्ट अच्छा हो जाता है खट्टा। मैं इसे जब भी जैसे आज मैं आपको पता ये सब्जी लेके आई और आज मैं लेके आई मिर्ची, तो फिर मैंने इसे भर के रख लिया और 2-3 दिन मैं इसे खा लेती हूँ। फ्रिज में रख लेते हैं एयरटाइट कंटेनर में, प्याज लहसुन कुछ होता नहीं है। तो इसलिए अब इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू और टेस्ट आप ऐड कर लीजिए, बहुत ईजिली बन जाती है। कुछ लोग इसे फ्राई करते हैं, सेकते हैं, प्याज भी ऐड करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस मसाला रेडी हो गया। गरम मसाला आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, बट मैं हर चीज़ में गरम मसाला नहीं ऐड करना पसंद करती, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। कभी कभी सिंपल खाना बहुत टेस्टी होता है। अब इसमें हमें इसे फिल कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सूखा बेसन हमने फिल कर लिया है, लेकिन यस मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमें किस तरीके से जब हमें पकाना है, फ्राई करना है, तब हमें किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से हमें सारी की सारी फिल कर लिया है बेसन इस तरीके से। बस इसके लिए आप इसे शिमला मिर्च के साथ मतलब कैप्सिकम के साथ भी बना सकते हैं ये सेम प्रोसेस, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि कैप्सिकम को फ्राई करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से सारा हमने फिल कर लिया है, तो ये रेडी हो गया। अब हम इसको पकाने जा रहे हैं, तो उसके लिए ऑयल ले लीजिए एक पैन में, और ऑयल थोड़ा सा मतलब 1-1.5 चम्मच ज़्यादा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि फ्राई करना, शैलो फ्राई। और फिर ये गर्म हो गया, जीरा डाल के आप थोड़ा सा या सौंफ डाल के चेक कर लीजिए। और इस तरीके से सारी मिर्चियों को हमने ऐड कर लेना है एक एक करके, और फ्लेम को जो है तेज ही रखना है, मतलब मीडियम, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं। और मतलब फिर इसे फ्राई करेंगे। अब इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस वैसे रहना चाहिए, तो इस तरीके से ऑयल लेंगे आप अपन गरम और मिर्ची के ऊपर डाल देंगे, तो ये जो बेसन है इसमें सब में हल्का हल्का ऑयल चला जाएगा इस तरीके से, ज़्यादा नहीं। और वो बेसन बिल्कुल मतलब अच्छे से मसाला बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बिखरेगा जब आप इसे पलटेंगे। और तेज पे बस 5 से 7 मिनट में तो रेडी भी हो जाती है मिर्ची, बस और 5 मिनट इसे ढककर हम पका लेंगे तो ये फटाफट पक जाती है। जैसा देखिए बस ढक देना है और पका लेना है। तो ये मेरी फैमिली में तो शायद सबको पसंद, आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ जो भी हो, या फिर जैसे आपने सिंपल सब्जी दाल बनाई है उसके साथ आपने इसे सर्व कर दिया है, तो कभी भी बनाते हैं ना बहुत टेस्टी आता है। मतलब सब्जी टेस्टी होना हो मुझे तो ये बहुत पसंद है। देखिए एक तरफ से फ्राई हो गई है और दूसरी तरफ से भी कर लेना है बस इसी तरीके से। तो होप सो आज आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ मिलते हैं।